अभी बजे सुबह के 7:05 हुई है और यहाँ पर मैं ये सारे मसाले लाई थी ना कल, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल। इसको फिल करना है इस जार में, और जो पुराने वाले थोड़े से मसाले बचे हैं ना वो छोटे वाले जार में मैं डाल दूँगी और उसके बाद इसमें मैं फिल करूँगी। और सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद अभी मैं ये काम कर लूँगी पहले। और अभी कौशिका जाएंगे, नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो 8 बजे वो आएंगे। और वेद चला गया है स्कूल, उसकी स्कूल ओपन हो गई है। ये वीडियो कल या परसों आएगा, क्योंकि एक बीच में मेरे वीडियो है वो मैं डालकर ये डाल दूँगी, तो 4-5 दिन भी लग सकते हैं। और सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है तो मुझे फ़ैन चालू करना पड़ा। 1 घंटे का काम मैं फ़ैन के बिना नहीं कर सकती, गर्मी होती है इसलिए, और ग्लव्स पहन लेते हैं। ओ टूटा हुआ निकला, चलो दूसरा ले लेते हैं, ये खराब है। और वेलकम कर देते हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सब कैसे हो जरूर से बताया कीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरे साल भर के मसाले को फिल करने के साथ। और ये जार को मैंने वॉश करके अच्छे से धूप में 2 घंटे के लिए रख दिया था, और इसका जो पानी था ना, मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया है, तो ये जार कंप्लीट है मसाले भरने के लिए। और ये वाले जार है ना, अब मैं इसको वॉश नहीं करूँगी और ये इसमें फिल कर दूँगी, और इसमें मैं हल्दी ही रखूँगी, तो वैसे कुछ है नहीं इसमें। और अब बार बार कैमरे को मैं नहीं छूंगी, क्योंकि मिर्च वाले हाथ रहेंगे मसाले वाले, तो इस वजह से। चलो ये फिल कर लेते हैं, ये वाली हल्दी मैं इसमें डाल दूंगी। ये पूरा नी हल्दी है, और मसालों को एकदम दबा दबा कर फिल करना चाहिए, और बीच में एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिससे पूरे साल आपके मसाले अच्छे से रहेंगे। ऐसे ही आटे में भी है कि आप आटा जब फिल करते हो ना, तब एकदम दबा दबा कर करोगे तो आटे में जो कीड़े लग जाते हैं ना, वो नहीं लगते हैं। इसके दबाने से क्या होगा, एयर बिल्कुल भी बीच में नहीं रहेंगी और कीड़े नहीं लगेंगे, साल भर ऐसे ही कलर रहेगा हल्दी का भी। सारे मसाले को ऐसे ही फिल करना चाहिए, जिससे क्या होगा, साल भर तक मसाले अच्छे रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है कि जो मैं साल भर की भर लेती हूँ। वैसे जीरा और राई भी आ जाते हैं इसमें, हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, और लाल मिर्च हो गया। ये 3 तो पूरे साल भर के ही मैं भर लेती हूँ। चलो ये हल्दी हो गई, अब इसमें से पूरे मसाले मैं निकाल दूँगी। राई, सौंफ, ये सारे मसाले निकाल कर चलो ये तो फिल ऐसे ही रखेंगे मेरे। काजू मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसमें इसकी वैसे सारे मसाले बाहर ही रखती हूँ। फ्रिज में क्या जाता है, काजू और किशमिश। ये पॉपकॉर्न भी रखने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं, महीने तक बाहर रहेंगे ना तो इसमें भी कीड़े लग जाते हैं, तो ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी सूखे मसाले सारे बाहर ही होते हैं। ये किशमिश काली वाली, हल्दी फिल कर लेते हैं। बड़ी वाली जार, तो 2 केजी इसमें लाल मिर्च आ जाएगी, तो इसे फिल कर लेते हैं।
ये मैंने 1 kg लिया है, ये 500 ग्राम के पैकेट है, 1 kg का नहीं था। ये धनिया पाउडर में जीरा भी मिक्स है, जीरा पाउडर का भी पाउडर। गांव से जब हम मंगवाते हैं ना, तब वो कचरा भरा हुआ होता है तो उसको साफ करना पड़ता है, और ये पैकेट वाली होती है तो इसको बिल्कुल भी हमें साफ नहीं करनी पड़ती। और ज़ीरा इतना जार में पड़ा हुआ है तो अभी मैं पैकेट नहीं खोलूँगी, ये तीनों पैकेट में ऐसे ही रख दूँगी, और जब इसका यूज़ करना होगा तब मैं निकाल दूँगी, तो ये ऐसे ही रख दूँगी मैं। और इन जार में इतने बड़े हैं वैसे, ये मैं सीधा इसमें ही बॉक्स में डाल दूँगी, सॉफ्ट है ये। साबुत मिर्च है, इसको भी इसमें डाल देंगे डब्बे में, पैकेट के साथ ही डालेंगे। और ये गरम मसाला का पैकेट है तो इसको मैं इसमें डालकर ये वाला मेरा जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना मिक्स करके इसमें फिल करूँगी। और ये मसाला मैंने पिछले साल बनाया था, वैसे बहुत ही अच्छा है, पर इस बार मैंने सोचा खड़े मसाले वैसे भी चाहिए तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया। और ये इसमें मिक्स कर देंगे अभी। और इस बार मैंने खड़े मसाले नहीं लिए हैं क्योंकि पिछले साल मैंने मंगवाए थे केरला से, तो बहुत सारे आ गए हैं, तो 2-3 साल तो चल ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं लिया है। और गरम मसाला बना देती हूँ ना तो क्या होगा, फिर मुझे खड़े मसाले एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा चलो गरम मसाला ही ले लेती हूँ। और गरम मसाला की रेसिपी चाहिए तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, तो देख लीजिएगा। मसाला भी मसाले मैंने सारे फिल कर दिए जार में, और अब इसको मैं बाहर से साफ करके पोंछ करके रखूँगी। मसाले फिल करते हैं ना तो बाहर से भी जार गंदे हो जाते हैं इस वजह से। चलो इसको रख देते हैं। और ये डब्बे आए ना तो इसलिए मुझे जो मेरे स्टील के डब्बे हैं ना वो पीछे रखने पड़े। ये फूट जाती तो लेने के वक्त एक हाथ से कितना वजन होता है इसमें। मसाले मेरे गए, एक मिर्च ही मेरी 1500 की गई ऐसे समझ लो, इतनी सी मिर्च 1500 की। ये थोड़े थोड़े मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये मेरी पेंट्री यूनिट सज गई मसालों से। ये एक खाली जार है और इसमें मैं पैकेट वाले रख दूंगी। और मसाला मैंने फिल कर दिया है, देखो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है, अभी चीज़ें रह गई हैं।
जो फ्रिज में डालूंगी मैं। और ये है हींग और कड़ी का मसाला, तो ये बाहर रखूंगी मैं, तो ये सील कर देती हूँ। और मेरा बच्चा सारे काजू चट कर जाता है, तो इतने ही बचे हैं देखो, तो मैंने ले लिए फिर से। काजू करी बनाने का प्लान कर रही हूँ, तो ये आधे तो ख़त्म हो जाएंगे इसमें, इसलिए मैंने ले लिया ये पैकेज। और ये बहुत अच्छे वाले काजू है वैसे, और बहुत इससे भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, तो इतने बड़े तो नहीं लेने थे, और ये भी एकदम परफेक्ट साइज़ है। इसको मैं पहले नीचे रख दूँगी, नहीं फिल होगा। चलो ये पूरा पैकेट तो आ जाएगा, फिर दूसरी कोई चीज़ नहीं रखेंगे इसमें, तो इस वजह से मैं इसको काट कर इस पानी में डाल दूँगी, जिससे इसमें फिर मॉइस्चर ना आ जाए। अब इसको हम गांठ लगा देंगे इसमें, फिर इसमें ये जाएगा। चलो ये काजू वाला, और इसमें है बादाम, और ये आई थी चॉकलेट के बॉक्स के साथ, तो ये मैंने ऐसे ही रहने दी है, क्योंकि इसके साथ में मिक्स नहीं करूँगी, ये अलग क्वालिटी की है। तो इसमें और इसमें मैं किसमिस का पैकेट और ये दोनों किसमिस का पैकेट इसमें रख दूँगी, और ये केसर। Find the real me.